दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है, रिमांड पर है। 4 दिन की रिमांड की मांग वहां पर की गई थी, जो उनको मिल भी गई थी। रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद बवाल हुआ। कल हमने देखा कि देश भर में आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी और मांग कर रही थी कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उम्मीद भी यही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब मिला जब कोर्ट की तरफ से, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को सीबीआई से ये रिमांड मिल गया कि वो 4 दिन तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है। नई शराब नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कमीशन खोरी की है, कमीशन खाई है। सरकारी ठेके को बंद कर दिया गया, निजी ठेके को अनुमति दी गई, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया ने काफी काला धन अर्जित किया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इसमें एलजी का भी हस्तक्षेप है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, हम सुझाव दे सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से हाईकोर्ट का रुख करती है।